Hi, this is Sana Khan and you're watching Expose India. आमिर की फिल्म दंगल ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के कई रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। जहां एक और फिल्म को देखकर लोग तारीफ करते थक नहीं रहे हैं, वहीं गीता और बबीता फोगाट के रियल लाइफ कोच फिल्म में दिखाए गए उनके रोल से काफी नाराज हैं। कोच ने दंगल निर्माताओं पर केस करने तक की बात कही। दरअसल फोगाट बहनों के कोच पीआर सोदी का कहना है कि फिल्म में उनसे संबंधित तथ्यों से छेड़छाड़ की गई है। फिल्म दंगल में ऐसा बहुत कुछ दिखाया गया है जो वास्तव में हुआ ही नहीं था। पीआर सोदी ने कहा कि उन्होंने कई सालों तक दोनों बहनों को प्रशिक्षित किया। इस बीच उनके पिता महावीर फोगाट ने एक बार भी दखलअंदाजी नहीं की, पर फिल्म में ऐसा नहीं दिखाया गया है। फिल्म में गिरीश कुलकर्णी ने जिस पीके कदम की भूमिका निभाई है, वह काफ़ी हद तक पीआर सोदी से मिलती जुलती है, पर उसे कोच से ज़्यादा एक टास्क मास्टर की तरह पेश किया गया है। इसके अलावा फिल्म में दिखाया गया है कि कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान कदम गीता के पिता महावीर को एक कमरे में बंद कर देता है, जबकि वास्तव में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वहीं आमिर ने कोच के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि हर बायोपिक में कुछ चीज़ें काल्पनिक होती हैं, पर इससे उसकी मूल कहानी पर कोई असर नहीं होता। वहीं आमिर ने फिल्म की सफलता पर खुशी भी जाहिर की। आपको बता दें कि फिल्म ने मात्र 6 दिनों में ही 176 करोड़ रुपए की कमाई कर ली। Hi guys, this is Alia Bhatt. You're watching Expose India. Keep watching.